चलिए बात करते हैं जबलपुर की, जहां पर कुछ समय से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शहर में आए दिन चोरी और लूट जैसी घटनाएं हो रही हैं। ये ताजा मामला है घमापुर थाना क्षेत्र से, जहां बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी मिली है कि विद्यानगर स्थित जीएसएफ क्वार्टर में रहने वाली महिला ममता पावले अपनी दो बेटियों के साथ घर पर सो रही थी, तभी एक अज्ञात युवक ने दरवाजा खटखटाया और खुद को सफाई कर्मी बताते हुए पीने का पानी मांगा, जिसने अपना चेहरा गमछे से ढका हुआ था। इसी दौरान जब महिला पानी लेने अंदर जाने लगी, तभी युवक ने उनके गले में ही झपट्टा मारते हुए मंगलसूत्र खींचकर वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश जारी है। वो आया, एक लड़का आया, बोलते कि आंटी हम सफाई करने वाले हैं, हमको पानी दे दीजिए थोड़ा सा। तो मम्मी बोली कि आप आगे से आके ले लीजिए, पीछे साइड में आंगन है। तो हम बोले कि आगे आ जाओ, नहीं हम गंदा काम कर रहे हैं, हम नहीं आएंगे, उसने ऐसा बोला वो लड़के ने। और हम लोग टर्न हुए हैं, बॉटल देख रहे थे, और मम्मी टर्न हुई कि इन लोगों को मिला कि नहीं मिला, उतने में मम्मी को, मम्मी के ऊपर हमला कर दिया। चाकू से किया था शायद, ये इधर पे लगी है। नहीं देखा मैंने, फेस कवर था उसका। आज 26-27 साल से मैं रह रहा हूँ उधर पे, पुराने लोग भी रहे, जहाँ आज तक ऐसा कुछ मेरे साथ में हुआ ही नहीं। तो क्या लग रहा है कि भूत वगैरह की वजह से क्या ले गए? मंगलसूत्र ले गए हैं। मंगलसूत्र? जी जी। इसकी जानकारी आपने दी? जी हाँ, पुलिस को दी है। थाने में थी? हाँ जी जी।